हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू इन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हिच इज आस्क्ड इन गेट 2006 इन 2 मार्क्स। हियर द क्वेश्चन इज अ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट 1.8 केजी ऑफ मॉइस्ट सॉइल वॉज फिल्ड द मोल्ड ऑफ 944 सेंटीमीटर क्यूब। आपने 1.8 केजी मॉइस्ट सॉइल को लिया, उसको आपने मोल्ड के अंदर फिल्ड किया, और जो मोल्ड के अंदर फिल्ड किया उसका वॉल्यूम कितना था? 944 सेंटीमीटर क्यूब। आफ्टर कॉम्पैक्शन अ सॉइल सैंपल वेटिंग 23 ग्राम्स वॉज टेकन फ्राम दी मोल्ड। उसमें से आपने 23 ग्राम सॉइल को क्या कर लिया, आपने टेकन कर लिया, एंड ओवन ड्राई फॉर 24 आवर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस। फिर उसको आपने क्या किया, ओवन ड्राई में किया 24 आवर्स के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पे। देन अगेन द वेट ऑफ द ड्राई सैंपल वॉज फाउंड टू बी 20 ग्राम्स। तो दो वैल्यूज है आपका, वेट ऑफ द मॉइस्ट सैंपल विच इज इक्वल टू 23 ग्राम्स एंड द वेट ऑफ द ड्राई सैंपल और विच इज इक्वल टू 20 ग्राम्स। तो यहाँ से क्या दिखा, वेट ऑफ द वाटर निकाल लिया। वेट ऑफ वाटर क्या हो गया आपका, वेट ऑफ द मॉइस्ट सैंपल माइनस वेट ऑफ द ड्राई सैंपल, दोनों को माइनस कर दिया। तो यहाँ से 23 माइनस 20, हियर इट इज इक्वल टू 3 ग्राम्स। तो 3 ग्राम्स क्या हो गया आपका, वेट ऑफ द वाटर हो गया। आगे देखते हैं, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज 2.7 एंड द थियोरिटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल एट दैट वाटर कंटेंट इज इक्वल टू, आपको निकालना है गामा डी ड्राई यूनिट वेट। और ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या है आपका, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस WG। ठीक है, जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस WG। हियर जी की वैल्यू है, गामा डब्ल्यू आपको किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब ले लेंगे। और यहाँ पे W देखिए, W आपको कैलकुलेट करना है, तो वेट ऑफ दी वाटर ऊपर है वेट ऑफ दी सॉलिड, यहाँ से आ जाएगा वाटर कंटेंट। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला आपने यूज़ कर लिया, जी गामा W अपॉन में 1 प्लस WG। हेयर वाटर कंटेंट वेट ऑफ दी वाटर अपॉन में वेट ऑफ दी सॉलिड, वेट ऑफ दी वाटर कितना था ये मॉइस्ट, और ये वैल्यू है आपकी ड्राई की, दोनों माइनस किया था अपन ने तो कितना 3 ग्राम्स आ गया था, डिवाइडेड बाय दी ड्राई कितना 20 ग्राम्स। तो यहाँ से आ गया 0.15 वाटर कंटेंट आएगा, 0.15, और वी विल सेट 15% वाटर कंटेंट। अब आपको क्या करना है, अब इस वैल्यूज को पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर, गामा डी थियोरेटिकल मैक्सिमम वेलोसिटी इज जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस WG। हियर जी इज 2.7 क्वेश्चन में गिवन है इनटू गामा डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब के अंदर, गामा डब्ल्यू वैल्यू कितना लेंगे 9.81 केजी पर मीटर क्यूब। तो 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना 15%, 0.15 इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7। द वैल्यू ऑफ गामा डी मैक्सिमम थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी विल बी इक्वल टू 18.65 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो गामा डी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.